वेलकम टू दिस एपीसोड ऑफ द हरप्रीत सिंह शो अज के इस कम्युनिटी प्रोफाइल सैगमेंट में एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात करावे जो कि पैशन का एक मिसाल ने ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਨੇ ਨੂਤਨ ਠਾਕੁਰ 1997 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਟੂਵਰਡਸ ਐਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਆ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਨੂਤਨ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ अनुदर जी इंडिया से आपका थोड़ा सा मैं से हूं। की दुनिया है वो महानगरी जी, है बॉलीवुड और मैं बॉलीवुड में काम किया करती थी अच्छा लेकिन आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं बॉलीवुड में क्या क्या काम किया पर बॉलीवुड में आने से पहले मैं स्टेज से जुड़ी थी और बॉम्बे तो बाद में आई शादी के बाद जब मैं स्टूडेंट थी तो कोलकाता में थी मेरी परवरिश हुई है कोलकाता में okay. वैसे मैं बता दूं आपको uh -huh. कि मेरी पैदाइश है बिहार की wow. परवरिश हुई है बंगाल में कोलकाता में और आई हूँ यहाँ मुंबई से ठीक है जी. तो जब कोलकाता में थी मैं पढ़ती थी तो वहाँ ऑल इंडिया रेडियो है uh -huh. आकाशवाणी के नाम जी, से जी, जाना जाता था ऑल इंडिया रेडियो तो बाद में हुआ तो उस उसपे से मैंने शुरुआत की लेकिन ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन करने से पहले मैं स्टेज से जुड़ी अच्छा वहाँ कला मंदिर स्टेज है बहुत नामी स्टेज है जिसपे कि स्मृता पाटिल ने भी आकर के काम किया है हेमा मालिनी जी भी आ चुकी हैं शबाना आजमी जी आ चुकी हैं और ऐसे में जितने भी इप्टा के से जुड़े हुए जितने कलाकार थे वो सब आ चुके हैं और उनके परफॉर्मेंस को देखते देखते मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं कुछ करूँ और एक बार की बात ऐसी है कि इतफाक से हीरोइन बीमार पड़ गई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया था मैं okay. एक छोटे से रोल में थी अच्छा तो उन्होंने मुझे मेन रोल दे दिया और थीक. मुझे लगा मैं तो छोटे से रोल के लिए मुझे लिया गया है लेकिन पहली बार मैंने उसे बड़ा रोल किया और उसके बाद से पीछे मुड़कर देखने की नौबत ही नहीं आई सो so, ये इंटरेस्ट आपका जो टूवर्ड तो 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 एक्टिंग डेवलप हुआ स्टेज में आपने काम शुरू किया क्या घर में से आपको इंस्पिरेशन मिली या कोई आपका कोई और था मेरे पिताजी मदन मोहन ठाकुर अच्छा जी वो तो अब रहे नहीं इस दुनिया में उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया एक्चुअली लेकिन ऐसा होता है जब आप स्कूल में पढ़ते हो कॉलेज में तो घर से इजाज़त नहीं मिलती है ठीक. और क्योंकि पढ़ाई लिखाई नुकसान ना हो तो माँ थोड़ी सी परेशान होती थी जरूर रैट. कि बच्ची स्कूल से आ रही है होमवर्क करेगी और एक्टिंग ऐसे में नहीं. पर पिताजी ने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे नहीं. और उन्होंने कहा कि दुनिया में सब कुछ जानना जरूरी है अगर तुम्हारा शौक है एक्टिंग में तो तुम जरूर करो लेकिन पढ़ाई में पीछे मत होना और कभी कभार की बात है कि जब स्कूल के बाद पढ़ाई के बाद कॉलेज में भी वहाँ से मैं क्लास के बाद जाती थी रिहर्सल के लिए क्योंकि स्टेज प्लेज में आपको बहुत रिहर्सल करना जरूरी है तो वापसी में देर हो जाती थी बस स्टॉप पे पिताजी खड़े रहते थे वेट हाँ। करते थे कि नूतन को देर हो गई है शाम हो गई है और ऐसे में हरप्रीत जी एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप किसी भी विधा से जुड़े रहें हर विधा में सेक्रीफाइस की बहुत जरूरत है और डेडिकेशन अगर आप पे डेडिकेशन नहीं है नहीं। तो आपको सफलता कभी नहीं मिल सकती है और अगर आपने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया नहीं। तो भी सफलता नहीं मिल सकती है तो मुझे भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ना पड़ा है और तब मैं एक्टिंग की दुनिया में आगे आई हूँ स्टेज से शुरुआत हुई और स्टेज के बाद मुझे याद है कि एक बार उर्दू प्ले कर रही थी तो रेडियो स्टेशन से आकाशवाणी से जो उर्दू दान लोग हैं वो लोग आए थे हैड जो थे हिंदी के और उर्दू के तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऑडिशन में क्यों नहीं आती हैं? लास्ट right. ईयर भी लेटर भेजा था mm -hmm. तो मैंने कहा हाँ आऊंगी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे क्या रेडियो में क्या काम कर रहा right. है देखिए दुनिया कितनी गोल है Goal अब है। मैं रेडियो पे ही मेन जॉब कर रही right. हूँ तो मैंने उसको अवॉइड किया uh -huh. छह महीने और बीत गए तो कंपटीशन हो रहा था प्ले का। अच्छा जी। प्ले का उसमें उर्दू में मैं थी हिंदी एक बार आप आके ऑडिशन दे दो तो मैंने ऑडिशन दे दिया हिंदी डिपार्टमेंट के लिए मैंने ऑडिशन दिया सिलेक्शन मेरा हो गया हिंदी डिपार्टमेंट में लेकिन इतफाक है रेडियो का पहला जो शो था वो प्ले था रेडियो प्ले पहले के जमाने में दूसरे तरह से प्ले किया करते थे माइक्रोफोन यू ऊपर से डरा yeah. होता था सब right. खड़े रहते थे तो जब प्ले करने के लिए मैं गई वहाँ पर तो मुझे पता चला ये हिंदी डिपार्टमेंट का काम नहीं है ये उर्दू डिपार्टमेंट का आपकी जो आपकी एक्टिंग की फील्ड में और जो आप उन्होंने सोचा कि आपको वो सही ब्रॉडकास्टिंग फील्ड में ला सकते हैं तो वहाँ से आपने शुरुआत की वहाँ से मेरी शुरुआत उसके बाद ये मुंबई की बात है या जहाँ आप कोलकाता की बात है

कोलकाता में right. और सेक्रीफाइस की बात जहां मैं कर रही हूँ mm -hmm. घर में बड़ी परेशानी चल रही थी mm -hmm. उन परेशानियों को मैंने एक तरफ रखा मैंने उसको एक शेल्फ पे रख देते हैं फिलहाल क्योंकि right. मेरे सामने शो है सोल्ड आउट शो है right. और इतनी बड़ी परेशानी है कि मुझे शो पे जाना नहीं चाहिए लेकिन मैंने सोचा कि शो मस्ट गो ऑन तो मैंने कहा ये परेशानी मैं शाम को आकर निपटूंगी अभी मैं जाती हूँ कर लिया बहुत टेंस थी जब इंट्रोडक्शन हुआ सारे कलाकारों का इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद मैं निकल गई बाद में पता चला कि मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए चुना गया उसी प्ले के लिए तो धीरे धीरे प्रोत्साहित होती गई और पहली बार पिताजी ने आकर के पीठ ठोका था स्टेज पर बिड़ला वालों का ये शो था तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत कुछ अच्छा कर गई हूँ क्योंकि right. खुद के ऊपर ये नहीं था कि मैंने बहुत अच्छा किया है mm -hmm. आज भी हरप्रीत जी मैं जो शोज करती हूँ mm -hmm. हर शो के बाद लगता है मुझे कि मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ योर सेल्फ बिकॉज इंसान कभी भी पूरा नहीं होता सिर्फ भगवान ही पूरा है तो उसके लिए आप में जो एक मन में इच्छा है कि आई डू बेटर बेटर एंड दैट्स वंडरफुल सो वहाँ से आप पहुँचे जी मुंबई में मुंबई में आके एक अलग माहौल अलग सोच वहाँ पे तो वहाँ पे भी क्या आप स्टेज के साथ जुड़े रहे या कुछ और करते रहे मुंबई के आने के पहले की बात बता दूं मैं आपको आत्मा राम जी जो गुरुदत्त जी के छोटे भाई आत्मा राम जी, जी। वो तो अब रहे नहीं।, नहीं तो आत्मा राम जी आए थे शूट करने के लिए कोलकाता और वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसी अदाकारा हो महिला तो उसमें उषा गांगली थी और मिसेस जालान थी बहुत तरह के लोग थे उसमें तो ऑडिशन के लिए बुलाया गया मैं भी गई वहाँ टॉलीगंज स्टूडियो में जहाँ मेन है वहाँ फिल्में बनती है बंगाली फिल्में तो मैं भी वहाँ पर गई तो उन्होंने ऑडिशन लिया और ऑडिशन लेने के बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं नेक्स्ट mm डे -hmm. उन्होंने गाड़ी भेजी ah. पता चला कि उनके सीरियल में उन्होंने मुझे लिया है wow. अंजन श्रीवास्तव mm -hmm. जो कि फिल्मों में बहुत नाम कमारे उनकी पत्नी का रोल मुझे करना था okay. तो वहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई बड़े पर्दे पर right. और उससे पहले मैंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी ये

इतना काम था कि समझ में नहीं आता था क्या करूं right. लेकिन शादी के बाद ऐसा था कि मुझे काम नहीं करना है तो मैंने सोच ला कि छोड़ दिया बस एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह के के दिया।, दिया।, दिया लेकिन कहते हैं कि जो पैशन होता है ना जी कुछ देर के लिए तो आप दबा सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं और मुंबई में जो कुछ हुआ इसके बारे में हम जानकारी लेते छोटी सी ब्रेक के बाद घर एक ऐसी थान होंगी है जिथे हर कोई अपनी निजी जिंदगी पल याद रखता हैतीत करता है सजे हुए घर च बदलिया जाए न फिनिशिंग तक ड्रेपरी पेंटिंग तो लैके डेकोरे असैसरीज तक एस के होम डिजाइन दिन प्रोफेनल सर्विसेज लैके अपने सुपन के घर हकीकत बदल सकते हो कॉन्टेक्ट करो संदीप कौर सिक्स ओ फोर एट टू फाइव नाइन टू 95 ਨੂਤਨ ਠਾਕਰ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਨੂ ਹੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਵੀ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਨੂਤਨ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਜੀਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ मुंबई आई तो मुझे लगा अब घर गृहस्थी में ही अपने आप को मैं रखूंगी तो वीर गति इस फिल्म में मुझे लोगों ने काम करने के लिए बुलाया तो मैंने सोचा कर लेती हूँ मुंबई से बाहर वो शूट कर रहे हैं तो मैंने कहा मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि और मेरे हस्बैंड चूंकि मरीन इंजीनियर हैं तो हमेशा इंडिया से बाहर ही वो यूएस कंपनी में काम करते थे रहते थे शिप लेके जाना होता था तो मैंने उसमें मना कर दिया वो मेरी पहली फिल्म थी जो हाथ से निकल गई उसके बाद जब पता चला तो गौतम अधिकारी बहुत ही नामी डायरेक्टर हैं तो जी टीवी पर उनका कमांडर उन दिनों चल रहा था मैं देखती थी एक दिन उनके दफ्तर से फोन आया और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उनके दफ्तर से फोन आया उन्होंने कहा कि आप आकर के मिले क्योंकि पता चला है कि यहाँ पर आप कोलकाता की आर्टिस्ट हैं और आप यहाँ पर किसी ने

असिस्टेंट वगैरह से बात कर लो या जो भी आपको बुलाते हैं और जो आपको देखते हैं सेलेक्ट करते हैं उनका पूरा पैनल पूरा ग्रुप होता है तो मैंने सोचा चलो छोटे मोटे रोल में मैं आ गई शुरुआत है ठीक है लेकिन जब फोन आया तो वापस में सेम डे वापस गई तो गौतम अधिकारी जी ने कहा कि इस रोल के लिए तो किसी और को ले सकते हो इनके पोर्टफोलियो इनका प्रोफाइल देखो इनके रेज्यूम देखो क्योंकि मैं दफ्तर में देकर आ गई थी और उसी दिन उन्होंने कह दिया कि मेन रोल में आपका है तो उसके बाद में आ गई अच्छा। उसके एक एपिसोड रिपोर्टर में फोन आ गया कि एक तो साफ तल्फ है प्रोनाशिएशन सही है उर्दू बोलती हूँ हिंदी बोलती हूँ बंगाली बोलती हूँ तो उनके दफ्तर से फोन आया कि विनोद पांडे जी मिलना चाहते हैं विनोद पांडे से मुलाकात नहीं हुई गई मैं दो बार गई बल्कि

कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपकी चर्चा हो थे, कि बिहार की लड़की है और देखो कितनी अच्छी हिंदी बोलती है मैंने कहा मेरी परवरिश बिनवाल में हुई है वे लेकिन विरासत से मुझे ये हिंदी भाषा इस वजह से कितने साल आप मुंबई में रहे और ये आपका जो सफर जी टीवी से शुरू हुआ और उसको आपने मुकम्मल किया और

डैडी है चीफ इंजीनियर है तो कंपनी हमें सुविधा देती है हम चले आते right. कोलकाता में मेट्रो रेलवे में काम करती थी अंडरग्राउंड रेलवे जो है उसमें काम करती थी, okay. अच्छा जी। काम करती थी। जी। तो वहां से ट्रांसफर लेकर मैं आ गई चर्च गेट चर्च गेट के दफ्तर में काम करने लगी और यहां आने से पहले सोनी चैनल की शुरुआत हुई थी ये बात है नाइनटीन की तो सोनी चैनल पर पहला जो ड्रामा था ये शादी नहीं हो सकती नहीं। उसमें थी मैं उसको डायरेक्ट कर रहे थे सतीश कौशिक जी।, जी सतीश कौशिक जी जिन जो इतनी फिल्में बना रहे हैं तेरे नाम उन्होंने बनाया है बधाई बधाई हो बदाई, उन दिनों वो फिल्में नहीं बनाते थे तो उनके डायरेक्शन में जब मैंने काम किया पहला ये शादी नहीं हो सकती ये कॉमेडी ड्रामा है तो उसके बाद ओ मारिया दूसरा टीवी शेर शुरू हो गया उसमें भी मैंने काम करना शुरू कर दिया राजा बुंदेला जी जो उनके पार्टनर थे उस समय तो आजाद नगर में अंधेरी वेस्ट में आजाद नगर में उनका दफ्तर हुआ करता था छोटा सा दफ्तर क्योंकि बॉम्बे में तो जगह की कमी होती है तो उन्होंने कहा कि आपको दूसरे सीरियल में भी हम दे रहे हैं पैसे आपके वही होंगे मैंने कहा यहाँ पर बात अटकनी नहीं चाहिए आप पैसे में बढ़ोतरी नहीं करोगे और मैं बगैर पैसे के बोलती भी नहीं हूँ ना मैं स्टेज पर आती हूँ उन्हें बोलती हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही है तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो कहते हैं उसी पे आप साइन करें पर तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जब तक ये खत्म न हो मैं कहीं और नहीं काम कर सकती हूँ तो उस समय एकता कपूर का ज्यादा नहीं चला था नहीं तो, थी, थी। नहीं तो मैं शुरुआत की नहीं तो मैं एकता कपूर भी काम करती और वहां से भी बुलावा आया लेकिन बात की बात है जब मैं यहाँ आ चुकी थी तब ओके सो so सेवन में आप यहाँ, यहाँ पे पहुंचे यहाँ। थे और यहाँ पे आके एक अलग माहौल नो डाउट आप पहले घूमते रहे सारी दुनिया आप घूमे लेकिन जब इंसान कहीं पे आके बसना चाहता है तो उसकी परिस्थितियाँ कुछ और होती हैं यहाँ पे आके आपका जो इंडिया का या पाकिस्तान का जो आपका हुनर होता है कई बार उसको पहचाना नहीं जाता एंड यू टू स्टार्ट फ्राम द स्क्रैच इसके बारे में हम अगले हफ्ते में बात करेंगे कि यहाँ पे आके कैसे आपने स्क्रैच से शुरू किया और वो जो आपका पैशन था क्या वो कुछ देर के लिए दबा रहा है यहाँ पे या उसी तरीके से आप इसको आगे चलाते रहे कि आते सारी आप ब्रॉडकास्टिंग या एक्टिंग में चले गए या कुछ और किया इसके बारे में करेंगे अगले हफ्ते बाद आपका बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत धन्यवाद